नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, रैपिड हेडलाइंस न्यूज। खेलते समय जहरीला फल खाने से 20 बच्चे बीमार हो गए, यह सनसनीखेज घटना नक्सलबाड़ी में घटी है। बुधवार शाम क्षेत्र के बच्चे नक्सलबाड़ी के बड़ा मुनिराम जोत के मैदान में खेलने गए थे। कुछ बच्चे ने खेल खेल में कोई अज्ञात जहरीला फल खा लिया। घर लौटने के बाद बच्चे बीमार हो गए और शाम से उल्टी करने लगे। हालत नाजुक देखते हुए 20 बच्चों को बीमार हालत में नक्सलबाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर मिलते ही मुनिराम ग्राम पंचायत प्रधान गौतम घोष मौके पर पहुंचे। हालांकि प्राथमिक इलाज के बाद सभी स्वास्थ्य बताए जा रहे हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद प्रधान ने कहा कि इलाज चल रहा है, सभी स्वास्थ्य है। सिलीगुड़ी में भारी मात्रा में इंजेक्शन के साथ एक महिला समेत 5 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत भक्तिनगर थाने के साथ ही वर्दी की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में इंजेक्शन के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें बुधवार को ईस्टर्न बाईपास के सटे इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अभियान में करीब 200 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। प्राथमिक जांच के बाद माना जा रहा है कि नशीले दवाओं के उपयोग के लिए उनकी तस्करी की जा रही थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में नूरजा बेगम, वरुण रॉय, समीर सरकार, प्रशांत डी और मोहम्मद एहसान शामिल है। गिरफ्तार लोगों में नरसा बेगम उर्फ बाजी इस घटना की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। गिरफ्तार लोगों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। भारत नेपाल सीमा पर 6 गायें बरामद, जांच में जुटी पुलिस। भारत नेपाल सीमा के ताराबाड़ी इलाके से 6 गायें बरामद की गई। घटना की जांच कर रही नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस के मुताबिक इस घटना में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बुधवार को नक्सलबाड़ी प्रखंड के बरमनी राम जोत के ताराबाड़ी इलाके में SSB जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान इन गायों को बरामद किया। इस दौरान तस्कर भागने में सफल रहे। इस बीच SSB ने बरामद गायों को नक्सलबाड़ी पुलिस को सौंप दिया। नक्सलबाड़ी पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि गायों की तस्करी कहां से की जा रही थी। इस घटना में कोई और शामिल तो नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। 1,39,00,000 के सोना समेत 2 गिरफ्तार। जूतों के तलवे में डालकर बांग्लादेश से 17 सोने के बिस्किट तस्करी कर कोलकाता ले जाया जा रहा था। इससे पहले राजस्व सीमा शुल्क विभाग ने 2 को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1,39,00,000 का सोना बरामद किया गया है। बुधवार को गिरफ्तार किए गए दोनों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया है। केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारियों ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर छापा मारा और सोने के 17 बिस्किट बरामद किए। सेंट्रल रेवेन्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक कुचबिहार के तूफानगंज से तस्करी कर कोलकाता लाए जाने से पहले दोनों आरोपियों के जूते से सोने के 17 बिस्कुट बरामद किए गए। इस घटना में सोनू लल्ला, सिकदर और दिवाकर दास को गिरफ्तार किया गया। एक आसाम का निवासी और दूसरा बिहार का निवासी है। बरामद सोने की कीमत 1,39,20,000 रुपए है। बुधवार को गिरफ्तार किए गए दोनों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। कंटेनर और ट्रेलर दुर्घटना में 48 घंटा बंद रहा धूपगुड़ी का एशियन हाईवे। धूपगुड़ी के देवमाली इलाके में सुबह करीब 6 बजे कंटेनर और ट्रेलर में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद एशियन हाईवे 48 को 1 घंटे तक रखना पड़ा। नतीजन गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही धूपगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों वाहनों में सवार लोगों को बचा लिया। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए धूपगुड़ी ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। 2 कारों के चालक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, क्योंकि चोटें गंभीर नहीं थी। इस हादसे के बाद एशियन हाईवे 48 को 1 घंटे तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सड़क पर कारों की लंबी कतार लग गई, लेकिन पुलिस और ट्रैफिक गार्डों ने पूरी तत्परता से दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को सड़क से हटा दिया। फिर एशियन हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सामान्य हुई। मेले युवतियों को प्रताड़ित करने के आरोप में 2 व्यक्ति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के बड़ा फम्पारी इलाके में मेला समिति के 2 वॉलंटियरों के खिलाफ कथित तौर पर 2 युवतियों को शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों लोगों को जलपाईगुड़ी कोर्ट भेजा गया। भक्तिनगर थाने की पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस सूत्र के अनुसार सिलीगुड़ी के बड़ा फम्पारी क्षेत्र में 3 जून को लोकनाथ बाबा के तिरोधन दिवस के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया था। उस मेले में सिलीगुड़ी की 2 युवतियां गई थी। शिकायत मेले में प्रवेश करने से पहले अपने वाहनों को खेत में पार्क करने को लेकर मेला समिति के 2 वॉलंटियरों से उनका विवाद छिड़ा। कथित तौर पर 2 वॉलंटियर ने नशे की हालत में 2 युवतियों पर शारीरिक हमला किया। युवती ने 4 जून को मामले को लेकर सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद ही दोनों आरोपी कहीं छिप गए हैं।
भक्ति नगर थाने के सादे वर्दी में पुलिस ने गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर खोलाचंद फंपाड़ी इलाके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों की पहचान विष्णु रॉय और सबुल वल्लभ के रूप में हुई है। इनका घर सिलीगुड़ी के खोलाचंद फंपाड़ी इलाके में है। गिरफ्तार लोगों को बुधवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट भेजा गया। भक्ति नगर थाने की पुलिस ने सभी घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस व गोल्ड लोन इस्लामपुर शाखा के प्रबंधक व सब प्रबंधक गिरफ्तार। इस्लामपुर पुलिस ने बीती रात आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस व गोल्ड लोन इस्लामपुर शाखा के प्रबंधक व सहायक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। बुधवार को इस्लामपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार को 14 दिन के पुलिस रिमांड का आवेदन देकर न्यायालय भेज दिया है। जांच में क्या निकलेगा ये तो अलग बात है, लेकिन आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड गोल्ड लोन के इस्लामपुर शाखा के ग्राहक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बुधवार को इस्लामपुर पुलिस ने गिरफ्तार को इस्लामपुर कोर्ट भेज दिया। अदालत भेजे जाने से पहले इस्लामपुर थाने से पकड़े गए आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड गोल्ड लोन के इस्लामपुर शाखा के प्रबंधक प्रबल गुरु ने पूछताछ में कहा कि वह कुछ नहीं जानता, उसे फंसाया जा रहा है। उधर असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद सहानावाज ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सब मैनेजर जानते हैं। सिलीगुड़ी में बनेगा नया वृद्धाश्रम, लायंस क्लब ने की पहल, जमीन का हुआ हस्तांतरण। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी यूनाइटेड ग्रेटर की ओर से सिलीगुड़ी में एक वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत फुलवाड़ी इलाके में बनने वाले इस वृद्धाश्रम के लिए जमीन के मालिक ने लायंस क्लब को जमीन हस्तांतरित कर दिया। बुधवार को जमीन के मालिक ने संस्था के सदस्यों को जमीन का कागजात सौंपा। वृद्धाश्रम बनाने के लिए आज 6 कट्टा से अधिक जमीन संस्था के सदस्यों को सौंपी गई। जल्द ही यहां वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। संस्था के सदस्यों ने बताया यहां आधुनिक सुविधाओं से लेस वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। सभी बुजुर्ग जिनके पास घर नहीं है या किसी कारण से सड़कों पर घूम रहे हैं उन्हें यहां रखा जाएगा, उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।